लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को जो मानता है वही हिंदू धर्म का होने वाला कहलाता है। जैसे कि अगर आपके यहां किसी परिवार में किसी के यहां देहांत हो जाए तो फिर आपको मुंडन संस्कार कराना है, और जब वो श्राद्ध होता है, श्राद्ध के पहले एक दिन जो है, जिस दिन बाल वाल बनते हैं, गांव में ये कहावत कही जाती है जिसमें सर के बाल, दाढ़ी वाड़ी सब बनती है, वो सब करवानी है, और उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया श्राद्ध और फिर तेरहवीं, फिर हर साल बरसी, ये जो है हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं। लेकिन आईपी सिंह ने एक सवाल खड़ा किया है। आईपी सिंह जो कि सपा के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की एक तस्वीर को साझा करते हुए सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री जी क्या हिंदू रीति रिवाज से नहीं चलते हैं क्या? क्या वो अपने मां के निधन के बाद मुंडन नहीं करवाएंगे क्या? ये सवाल खड़ा किया है। आईपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि अब स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री हिंदू रीति रिवाज नहीं मानते। मैंने सूतक पर सवाल किया तो चाटुकारों ने कहा कि वो राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। सूतक पर उन्होंने सवाल किया कि सूतक में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, सूतक में जब तक सूतक चलता है घर में सही भोजन भी नहीं बनता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अगर सूतक चल रहा है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो जब तक जो है तेरहवीं का कार्यक्रम नहीं होगा तब तक जो है मतलब वो तवा नहीं चढ़ेगा, रोटी नहीं बेली जाएगी, मतलब बेल की रोटी नहीं बनेगी, हाथ की रोटियां बनती हैं, और मतलब कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाएगी, ये सब चीजें होती हैं। तो उस पर लेकर भी आईपी सिंह ने सवाल किया था, सूतक चल रहा है तो सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि चाटुकारों ने कहा कि वो राष्ट्रधर्म निभा रहे, अब मुंडन संस्कार में शामिल नहीं हुए, तो क्या मुंडन कराने से राष्ट्र के कार्य में बाधा आ जाती? ये सवाल भी आईपी सिंह ने किया कि अगर वो मुंडन संस्कार में शामिल हो जाते तो क्या इसमें जो है मतलब राष्ट्र धर्म निभाने में का कोई बाधा उत्पन्न हो जाती? जो हिंदू संस्कार ना माने वो हिंदू कैसा? ये सवाल खड़ा किया गया आईपी सिंह के द्वारा। तो आईपी सिंह ये तस्वीर को साझा करें प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ना मुंडन संस्कार में शामिल हो, जो मतलब मुंडन कराया जाता है, जो हिंदू धर्म मान्यताएं कोई एक्सपायर जो है, खासतौर पर अगर मां बाप हुए हैं तो उस वक्त तो जो है इंसान को जो है पूरा मतलब सर मुंडवाना ही पड़ता है, श्राद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है। श्राद्ध के बाद एक उससे होता है दाग देना, जो बड़ा बेटा होता है या जब छोटा बेटा होता है वो दाग की प्रक्रिया भी अपनाता है, जिसमें सारी चीजें होती हैं। वो मतलब घर से बाहर होकर भोजन करता है, किसी से स्पर्श नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं, तिलांजुल भी उसमें आता है, सारी चीजें ये जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आती हैं। तो उन सब चीजों को नहीं माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया सूतक नहीं माना जा रहा, सूतक काल नहीं मान रहे हैं और सर भी नहीं मुंडवा रहे हैं, तो ये कैसे हिंदू हैं? फिर हिंदुओं की बातें क्यों करते हैं? हिंदू धर्म पर सवाल खड़े होता है, जो हिंदू संस्कार नहीं मानता वो कैसा हिंदू है? ये आईपी सिंह ने सवाल खड़ा करके एक बवाल मचा दिया है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अब देखिए वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह इस पर रिएक्शन देते, वीरेंद्र सिंह ने नीचे लिखा कि जो व्यक्ति बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में जेल गया हो, जिसका अब्बास जैसा परम मित्र हो, वह हिंदू संस्कार कैसे माने? मुंडन संस्कार करवाने से पितरों का तर्पण होता है। जिसने अपनी मां की ममता का भी मार्केटिंग किया हो, वो माता की आत्मा को शांति मिले ऐसे काम क्यों करेगा? यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया लोगों ने। ये लोगों का रिएक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम किसी की भावनाओं को आहत होने वाली बात नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के उस चीज की बातें कर रहे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो जानना जरूरी है। दरअसल लोग कह रहे हैं कि जिसने अपनी मां की माता की मार्केटिंग की हो, मां की ममता की मार्केटिंग की हो, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब जब अपनी मां से मिलने गए तब तीन तीन चार चार कैमरों से फोटोशूट हुआ, सब कुछ हुआ, और ये सब चीजें भी खड़ी, सवाल इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो वहां पर भी मार्केटिंग करने का मतलब एक इवेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया गया, वहां पर भी प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार वहां पर ये सब नहीं करना चाहिए, मां की ममता में ये सब चीजें मार्केटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वहां भी नहीं सोचा, तो ये लोग सवाल उठा रहे। फिर वो फिर कैसे मतलब सर मंडवा सकते हैं, ये सवाल जो है लोग खड़ा कर रहे हैं। एक शख्स है जो कि धर्म प्रवृत्ति बातें कर रहे हैं, सुरेश कुमार लिखते हैं, एकदम सही बात लिखे हैं आप, लेकिन पता कीजिए कि गुजरात के ब्राह्मणों ने परिवार में मृत्यु के उपरांत मुंडन का नियम बनाया है या नहीं बनाया है? हिंदू धर्म का संचालन ब्राह्मण करते हैं, इसलिए वहां के ब्राह्मणों से बात कीजिए। हमारे जिले में मुंडन नहीं करने से ब्राह्मण लोगों के यहां पानी पीना भी बंद कर देते हैं। आप बताइए जरा कि अगर मुंडन नहीं होगा तो पानी पीना भी बंद कर दिया जाता है, ब्राह्मण ऐसा करते हैं। तो आप अब अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही है। मदन राय लिखते हैं, लेकिन क्या करिएगा, अंधभक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल दूसरों को उपदेश देते हैं। कह रहे हैं कि अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए बने हैं। मदन राय ये बात लिखते हैं। आप अब अंदाजा लगाइए कि मतलब कर्मकांड, ये सब चीजें जो होती हैं, शास्त्रों के अनुसार चलना, शास्त्रार्थ करना, श्राद्ध करना, ये सब गृहस्थों में पालनीय है, गृहस्थ आश्रम में जो पालनीय है। सन्यासी, विरक्त और राजा के लिए
मतलब कहते हैं कि ये सब मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, जो भी इस धर्म के अंतर्गत आता है, श्राद्ध में सम्मिलित होना, मुंडन करवाना, उन सबको ये चीजें माननी चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि आईपी सिंह ने जो बात लिखी है उसको लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। तो मतलब सब लोग इसको बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सर क्यों नहीं मुंडवा रहे, उनकी मां का निधन हुआ है, और यही बात आईपी सिंह भी कह रहे हैं। काजल निषाद है, वो इस पर कटाक्ष करते हुए लिखती हैं कि कैसी बात करते हैं आप, ये जो आईपी सिंह ने लिखा कि भैया ये देखो प्रधानमंत्री जी मुंडन नहीं करवा रहे हैं, हमने जब सूतक की बात की तो कुछ लोग हम जो हमें तरह तरह की बातें करने लगे कि राज धर्म में नहीं आता, राष्ट्र धर्म में नहीं आता ऐसा फलाना ढिमकाना, और अब मुंडन भी नहीं करवा रहे हैं, इससे राजधर्म में कौन फर्क पड़ेगा, ये बात आईपी सिंह लिखी। उसके बाद काजल निषाद लिखती है कैसी बात करते हैं आप, कई करोड़ का मेकअप, हेयर स्पा और हेयर ट्रीटमेंट खराब नहीं हो जाएगा, ये कहा जा रहा है, कई करोड़ रुपए जो खर्च हो गए हैं हेयर स्पा पर, इस तरह की कटाक्ष भी लोग कर रहे हैं। तो लोगों का जो रिएक्शन है वो तरह तरह से आ रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सूतक ना मानना, चलिए उस पर रिएक्शन आ जाता है कि नहीं हमको राष्ट्र धर्म का पालन करना है, सूतक अगर करेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री है, बड़े पद की जिम्मेदारी, तो वो मान जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी सर क्यों नहीं मुंडवा रहे, यही आईपी सिंह ने पूछा है कि सर ना मुंडवाने की वजह से कौन सा राष्ट्र धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, सर मुंडवाने में कितना टाइम लगता है। अब जय सियाराम नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि व्यक्ति के निधन के बाद उसके परिजनों द्वारा सिर मुंडवाना मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान जताने का एक जरिया भी है, मृतक के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं कटवाते क्योंकि बालों के बिना सुंदरता अधूरी है, अपनी सुंदरता को क्षीण ना होने की, सुंदरता को बचाने के लिए कुछ लोग बाल नहीं मुंडवाते हैं, इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सुरेश कुमार आजाद है, वो भी इस पर रिएक्शन देते हैं कि मुंडन में क्या टाइम लगता है, चलते फिरते करवा लेते, मां अब दोबारा थोड़ी मिलेगी। जय श्री राम भक्त लिख रहे हैं कि जय श्री राम भक्त भी लिख रहे हैं, उन लोगों के लिए लिख रहे हैं कि जो लोग टिप्पणियां करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई बात लिख दी जाती है तो वो आ जाते हैं तरह तरह की टिप्पणियां करने, नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इस तरह की बातें करते हुए चले आते हैं। तो अंदाजा आप लगाइए अब किस तरीके से लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कितना टाइम लगेगा मुंडन करवाने में, आप करवा लीजिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मेकअप खराब हो जाएगा, सुंदरता खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री जी के हिंदू होने पर कुछ लोग अब रिएक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या वाकई में हिंदू हैं, क्या वाकई में उनको हिंदू धर्म का, अगर हिंदू होते तो शायद जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उनका पालन जरूर करते। अरे सवाल बहुत बड़ा है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या वाकई में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलेंगे या फिर नहीं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।